अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मेरा गुड्डू मिल जाए अल्लाह पाक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ। न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अल्लाह पाक प्लीज उस पे अपना रहम कर अल्लाह पाक। तू तो सब कुछ कर सकता है अल्लाह पाक, तू कहाँ दे रहे, तू सब कर सकते है। प्लीज मुझे मेरी औलाद से मिला, प्लीज क्या हुआ, कुछ पता चला गुड्डू का? नहीं, हर जगह ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। मारिया संभालो अपने आप को, इस तरह रोने से कोई गुड्डू मिल थोड़ी जाएगा। क्या करूं मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं दिला परवाह कैसे हो सकती हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पे, कैसे हो गया मुझसे ये। हाँ तो ध्यान करना चाहिए था ना तुम्हें, बच्चा है उसको कहीं पे भी लेके जाओ उसका ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती है उन पे। कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब तक नहीं करूंगी। बस पाक परवरदिगार एक बार मुझे मेरी औलाद से मिलवा दे, मैं नहीं करूंगी। सो हेलो, हाँ आतिफ, क्या हो गया आतिफ तुम्हें? मेरा बच्चा गुमा हुआ है यार, मिल नहीं रहा है वो, सोशल मीडिया पे क्या करूंगा मैं? क्या सुनो, मेरी बात सुनो, क्या तुमने तुमने वो वीडियो खुद देखी? अच्छा बंद करो मुझे देखना। फोन आया आतिफ का, वो कह रहा है कि किसी औरत को गुड्डू मिला है, उन्होंने को सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाली है। याले तो मेरा गुड्डू है, ये गुड्डू है। चलो चलो बशीर, तुम जाओ ना, इसके लिए कोई बर्गर चिप्स या कोई बिस्किट ले आओ, इसको भूख लगी होगी। वो जो पैसे थे वो तुमने आटे के लिए रखवाए थे? आटा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, मैं तो इसे कुछ बनाकर खिलाने वाली थी, तुमने कहा बस जल्दी करो थाने लेकर चलते हैं इसे। जाओ कुछ लेकर आओ इसके लिए। मेरी मामा कब आएंगे? बहुत जल्द आ जाएंगे मेरा बेटा, तुम परेशान ना हो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बीबी आप अभी तक यहाँ बैठी हैं, ये बच्चा लेडी कांस्टेबल के हवाले करें और आप जाएं यहाँ से। नहीं साहब, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इस बच्चे को रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा था। घर ले जा सकते? जी जी, आप अपने बच्चे को अपने घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताया आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा गुड्डू कहाँ होता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको आपका बच्चा मिल गया, अब इसका बहुत ख्याल रखिएगा आप, और शुक्र अदा करें कि ये मुझे मिला है, ना किसी गलत हाथों में तो जा सकता था ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हमारे बच्चे से मिलवा दिया, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मामा ये अंडे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे खिलाया और खुद जमीन पर सोई, मुझे बेड पर लिटाया। तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा, ये तो आपसे बहुत क्लोज हो गया है, ये तो आपको बहुत मिस करेगा। और एक बात बताऊं आपको, आपकी जगह कोई अपना भी होता ना तो शायद इसका इतना ख्याल ना रखता। ये भी बिल्कुल मुझे मेरे बच्चे की तरह लगा, जैसे कोई मेरा अपना बच्चा हो। चले चलो सीधा चले, कल सुबह मुझे भी कंपनियों में जाना है, चक्कर लगाने, पता नहीं काम मिले ना मिले। जी अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं घर। देखिए अगर आप चाहें तो आप मेरे ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, मुझे वैसे भी आप जैसे नेक और ईमानदार आदमी की जरूरत है। बहन रिहाइश का कोई मसला नहीं है,
हमारे घर का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। और वैसे भी आतिफ तो पूरा दिन काम पे चले जाते हैं, मैं अकेली होती हूँ। अच्छा है, हम दोनों साथ होंगी, एक दूसरे का हाथ बटा देंगे, और ये भी आपसे बहुत क्लोज है। हम मशवरा करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। चलते, थैंक यू सर, चलो मेरा बच्चा। देखा बशीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह दिलों के भेद जानता है, वो इंसान की नेकी कभी भी जाया नहीं होने देता, दुनिया में या आखिरत को उसका सिला जरूर देता है, कभी जल्दी और कभी देर से।